सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रेडमी A3X के फ़ोन में। हम चाहते हैं जब भी हमारे मोबाइल पे कॉल आए उसका फ़ोटो लगा हुआ दिखना चाहिए, तो कैसे लगाओगे? प्ले स्टोर ओपन करना, सर्च के आइकन पे क्लिक करना, आई कॉल स्क्रीन लिख के सर्च कर लेना है। ये एप्लीकेशन जब इसको सर्च करोगे तो ये पहला वाला एप्लीकेशन है, इसी को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। 2-3 सेकंड आपको वेट कर लेना है। अब जब 2-3 सेकंड वेट करोगे, नीचे तीर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ नीला कलर का ऑप्शन देखने मिलता है, इस पर क्लिक करके राइट साइड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना। या फर्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ से फिर परमिशन दे देना है। यहाँ देने के बाद नीचे तीर का ऑप्शन है, तीर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जिसे इस पर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एड्स होगा, 2-3 सेकंड का देख के कैंसिल कर देना है। इसके बाद नीचे सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करना, चेंजिंग वाले पेपर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। इसके बाद नीला कलर में ये ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करो अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद गैस यहाँ से थीम वाला लगाना चाहते हो तो वॉलपेपर थीम वाला लगा सकते हो। अगर गैलरी में से लगाना तो दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जो भी फ़ोटो आप लगाना चाहते हो उस पर फ़ोटो भी आपको क्लिक कर देना है। फ़ोटो पर क्लिक करोगे राइट साइड ऊपर तीर का ऑप्शन देखने को मिलता है, तीर का, इस पर क्लिक कर देना। ये ऑप्शन है, इसको कॉल रिसीव हो सकता है। नीचे वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करोगे तो कॉल कट जाएगी। अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।